डियर माई फ्रेंड्स और डियर माई स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर नरेश भाटी, डायरेक्टर ऑफ वेल केयर ओवरसीज बेंगलुरु। डियर माई स्टूडेंट्स और माई फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन एस्पायरेंट्स के लिए है जिनका ड्रीम है जर्मनी जाना, और जिनका विषय जर्मनी विजिट करना, और जिनका मन है कि जर्मनी जाए, और जर्मनी जाके विद इन 3 मंथ्स, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से वीज़ा कैटेगरीज जो शॉर्ट टर्म वीज़ा में आते हैं, कि आपको स्टे करना है जर्मनी में 3 महीने के अंदर, 90 डेज़ बिलो, तो कौन से वीज़ा कौन सी कैटेगरी में आपकी कैटेगरी फॉल करती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म वीज़ा कैटेगरीज, वीज़ा के लिए अगर आपको जर्मनी 3 महीने के अंदर अंदर जाके आ जाना है, वहाँ पे कुछ काम के लिए जाना है, तो कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो, और कौन सी शॉर्ट टर्म्स कैटेगरी अवेलेबल है जर्मनी के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो सारी कैटेगरीज। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है एयरपोर्ट ट्रांसिट वीज़ा। ये शॉर्ट टर्म कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, याद रखना। फर्स्ट जो वीज़ा कैटेगरी है एयरपोर्ट ट्रांसिट वीज़ा। ये क्या होता है? अप्लाई फॉर दिस वीज़ा इफ़ यू नीड टू लैंड एट वन ऑफ द जर्मन एयरपोर्ट्स टू टेक अ फ्लाइट टू योर नॉन शेनेगन डेस्टिनेशन। ट्रांसिट वीज़ा मतलब आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन एयरपोर्ट ट्रांजिट करना है, तो आप एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ये पहला शॉर्ट टर्म कैटेगरी है। दूसरा मैं बात करूँ तो ट्रांसिट वीज़ा। ट्रांसिट वीज़ा में क्या होता है? अप्लाई फॉर दिस वीज़ा इफ़ यू नीड टू एम्बार्क ऑन वन ऑफ द जर्मन हार्बर्स टू टेक अ वेसल दैट विल टेक यू टू योर नॉन शेनेगन डेस्टिनेशन। मतलब शेनेगन कंट्री से अदर किसी नॉन शेनेगन कंट्री में आपको जाना है, तो ये ट्रांसिट वीज़ा आपको चाहिए होता है। फिर थर्ड कैटेगरी की मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म में, तो टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा पे आप जा सकते हैं जर्मनी। सो अप्लाई फॉर दिस वीज़ा इफ़ यू विश टू विजिट जर्मनी फॉर वेकेशंस, साइट सींग, एक्सप्लोरिंग और सिमिलर्स। मतलब अगर आपको वहाँ ऐसे ही घूमने जाना है, वेकेशन के लिए कुछ देखने जाना है, जर्मनी को एक्सप्लोर करने जाना है, आपको कुछ सीखना है वहाँ से जाके, देख के चीज़ें आना है, तो टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म वीज़ा के अंदर फॉल करता है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी, वीज़ा फॉर विजिटिंग फैमिली और फ्रेंड्स इन जर्मनी। ये भी एक वीज़ा कैटेगरी है जो शॉर्ट टर्म में भी फॉल करती है। सो अप्लाई फॉर दिस वीज़ा इफ़ यू विश टू विजिट रिलेटिव्स और फ्रेंड्स लिविंग इन जर्मनी। अगर आपको ये विजिटिंग फैमिली वाले वीज़ा को अप्लाई करना है, तो आपका कोई फ्रेंड है या फैमिली फ्रेंड है या फार रिलेटिव है, उसको आपको मिलने जाना है, तो इस वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिजनेस वीज़ा। अगर आपको बिजनेस ट्रिप पे जाना है, जर्मनी जाना है, जाके आना है, बिजनेस कुछ वर्क है, तो बिजनेस वीज़ा आपको अप्लाई करना है। अप्लाई फॉर दिस वीज़ा इफ़ यू नीड टू एंटर जर्मनी टू टेक पार्ट इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू योर बिजनेस और रिलेटेड टू एनी बिजनेस इन जर्मनी यू विश टू डू इंटर कनेक्टेड। आपको वहाँ जाके आपके पास कोई भी बिजनेस का आइडियाज़ है, या कोई बिजनेस पर्सन आपको इनवाइट कर रहा है, कोई कंपनी आपको इनवाइट कर रही है, किसी भी पर्पज से जाओ, बिजनेस के पर्पज से जा रहे हो, तो बिजनेस वीज़ा आप अप्लाई कर सकते। फिर नेक्स्ट, वीज़ा फॉर ऑफिशियल विजिट इन जर्मनी। ऑफिशियल विजिट मतलब आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो ऑफिशियल विजिट वही आपका होगा। तो अप्लाई फॉर दिस वीज़ा इफ़ यू मस्ट एंटर जर्मनी फॉर एन ऑफिशियल विजिट। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, आपको कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट के, या सेमी गवर्नमेंट जो आपको भेज रहे, किसी ऑफिशियल विजिट पे जा रहे हो, तो वीज़ा फॉर ऑफिशियल विजिट इन जर्मनी। फिर नेक्स्ट वीज़ा कैटेगरी, मेडिकल वीज़ा। मेडिकल वीज़ा, कोई हेल्थ इशू है और वहाँ पे कुछ भी आपको हॉस्पिटल में दिखाना है, तो मेडिकल वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई फॉर दिस वीज़ा इफ़ यू नीड टू रिसीव मेडिकल केयर इन जर्मनी।
मतलब वहाँ पे कोई ऐसा अच्छा डॉक्टर है, इंडिया में आपका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और वहाँ पे जाके वहीं पे आपको ट्रीटमेंट कराना है, या वो ट्रीटमेंट वहीं पे जाके पॉसिबल है, तो आप मेडिकल वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो शॉर्ट टर्म में। फिर नेक्स्ट, वीज़ा फॉर कल्चरल स्पोर्ट्स एंड फिल्म क्रूज। तो ये वीज़ा जो है आपका कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या कोई फिल्म एक्टिविटीज़ है, तो अप्लाई फॉर दिस वीज़ा इफ़ यू नीड टू अटेंड एन एक्टिविटी रिलेटेड टू कल्चर, स्पोर्ट्स, रिलीजन और एज अ पार्ट ऑफ फिल्म क्रू। आप कोई शूटिंग के लिए जाना चाहते हो, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, कोई कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो ये शॉर्ट टर्म वीज़ा कैटेगरी आपके लिए राइट फिट होती है। फिर नेक्स्ट, ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशंस वीज़ा। अगर आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई बड़ा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो, तो और कहीं किसी ट्रेड में जाना है, किसी एग्जीबिशन में जाना है, तो इस वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई फॉर दिस वीज़ा If you are planning to participate in trade fair or exhibition taking place in Germany, तो ये वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। And at last, training or internship visa. अगर आपको कोई internship करना है, कुछ training करना है जर्मनी में, तो training and internship visa के लिए आप apply कर सकते हो। Apply for this visa if you want to attend training or do an internship in Germany. तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं जो हमने आज डिस्कस की इस वीडियो में, ये सारी शॉर्ट टर्म कैटेगरी वीज़ा कैटेगरी हैं, जहाँ पे आप मोर देन 90 डेज आप वहाँ स्टे नहीं कर सकते हो, बिलो 90 डेज आप स्टे कर सकते हो, और इन 90 डेज के अंदर ही, विद इन 3 मंथ्स ही आपको यू हैव टू कम बैक टू योर होम कंट्री। तो ये हमने डिस्कस किया। तो जो भी अगर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं और उनको कुछ आइडिया नहीं है कि कौन से वीज़ा के लिए मुझे शॉर्ट टर्म में अप्लाई करना चाहिए, तो ये हमने आज डिस्कस किया। ये हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जिनका प्लान है जर्मनी जाना, शॉर्ट टाइम में जाके आ जाना। तो ऐसे ही देखते रहे वीडियो, और आने वाले अपकमिंग वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म नेशनल वीज़ा की। आने वाले वीडियो में हम लॉन्ग टर्म वीज़ा कैटेगरी की बात करेंगे और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से टाइप के वीज़ाज़ है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दे इजाज़त। जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।